देखिए बात पता क्या है इस क्रिकेट वक्त हमें कितने लोग देख रहे हैं माशाल्लाह साढ़े दो तीन चार तो हमने स्टूडियो वाले 11 लोग भाई चार हम दोनों को देख रहे हैं और हम दोनों चार को देख रहे हैं। मुझे लगता है हमें ऐसे बनाना चाहिए जिसने बात करनी हो पहले हाथ खड़ा कर ले। नहीं 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 इसमें तो और हाथ नजर नहीं आया फिर क्या कर रहे हैं दोनों। वैसे एक बात है हारिस होफ ने भी दो ली है हसन अली ने भी दो ली है। सही है इनकी हिम्मत है विकेट्स इस मैच में यार हसन अली का तो परफॉर्म करना पड़ता है। हसन अली पे क्रिटिसाइज हुआ था क्या क्रिटिसाइज हां क्रिटिसिजम बोल रहे हैं। अच्छा ये सही है आपने इंडियन फिल्म देखी है इंडियन फिल्म शराबी चैंपियन ट्रॉफी में 2017 में वो हाईएस्ट विकेट टेकर था हसन अली आखिर कुछ अच्छा प्लेयर इंटरनेशनल यार वो प्लेयर अच्छा हो ना वो एंटरटेनर क्यों दुखा उसकी तरफ से उसने कैच ड्रॉप किए हैं। अच्छा वो किसी भी सीरीज में कोई बात नहीं और मैन मैचेस में हो जाता है कोई मसला नहीं। बहुत से लोगों से विराट कोहली से स्ट्रेट कैच मिस हो गया कितने हुए ऐसा नहीं कहीं भी जाके दो तीन चीजें ऐसी वीडियो बना देता है कि लोग एंटरटेन तो होते हैं एंजॉय तो करते हैं ना बात खत्म उसे ले जाया करें वैसे ही ले जाया करें। क्रिस गेल बहुत अच्छा बैट्समैन था वो हर मैच में नहीं चलता था लेकिन वो एज अ एंटरटेनर भी बहुत अच्छा था यार मैं लोग उसे पसंद करते थे। यार मैं सोच रहा था अपना शराबिन क्रिस गेल की अम्मी भी उसे प्यार करती होंगी यार है क्या मेरा बच्चा है मैं भेज रहा हूँ किसी जाहिर बात है यार ये क्या बात किया आपने यार क्यों नहीं देखो ऐसा बच्चा माँ तो माँ होती है ना यार। लेकिन उसकी अम्मी का हॉट जल गया था जब उसको चूमा था ना। अबे सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड है उसकी बताओ गर्लफ्रेंड वो नहीं देखती सिर्फ देखती है पैसा। हारिस राउत ने बोल्ड मार दिया पाकिस्तान मैच जीत गया जो भी है पाकिस्तान जीत गया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो पहला मैच पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत गया अगेंस्ट नेदरलैंड। मैंने कहा था पाकिस्तान जीतेगा ये आदमी बोला था नहीं। अरे नहीं 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 भाई यार चलो सही है फसवा दो फसवा दो मैच खत्म हो गया छुट्टी 15 मिनट बस लेकिन कसम से यार श्रीलंका कौन में से एक होगा। अच्छा आपके दोनों ने जीता इसका इनको फायदा होगा जब आगे जाएंगे नेट रन रेट से आगे जाएंगे। किसी बॉलर ने 45 रन से ज्यादा स्कोर ही अच्छा बड़ा अच्छा जबरदस्त बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग को तो उन्होंने वापस बाउंस बैक किया इसके लिए तालियां। और पाकिस्तान बॉलर्स की इकोनॉमी रेट जो है 5 रन से ज्यादा किसी ने नहीं दिए खतरनाक टीम इतनी उसमें अगर 5 रन देखे कोई तो बात है पूरी वर्ल्ड में नहीं करूंगा यार पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी टीम्स हैं और नेदरलैंड जो है वो उनसे क्वालिफाई करके जिसमें वेस्टइंडीज नहीं है उनको नहीं है क्यों नहीं है क्वालिफाई नहीं कर सकते क्वालिफाई नहीं इसके लिए क्या कोई स्पोर्ट्स करना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी को भी मुबारकबाद दे दें एग्जैक्टली पूरी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी उन सबको बहुत मुबारक इस बार लड़का हो बड़ी चाहत है मेरी लड़का अच्छा खेलने लड़के अच्छे खेलने ये तो यू टर्न लिया ना उन्होंने यार बात पता है एक सीरियस नोट पे बात करूं बैकअप करें यार पता है क्या अपना वो छोड़ दे अल्लाह बेहतर करेगा। उधार मांग रहा किसी से बैलेंस मांग रहा बैलेंस अबे हमें चेक मिलेगा नहीं उधार तू मांग रहा बैलेंस मांग रहा बैलेंस मांग रहा इजी लोड वाली इस वक्त आपकी मतलूबा औरत थोड़ा स्टैट्स बता देते हैं बॉलर्स का। शाहीन शाह अफरीदी ने 37 रन दिए सही है 7 ओवर में और एक विकेट ली है जबरदस्त शाहीन शाह के लिए तालियां थोड़ा ज्यादा होगा 7 ओवर में दिए हसन अली ने 7 ओवर ज्यादा दिए 25 रन देने चाहिए नेदरलैंड के खिलाफ। हसन अली ने 7 ओवर में 33 रन दिए और 2 आउट किए जबरदस्त सही है 15-15 डिवाइड करो सही है। हारिस रऊफ ने 9 ओवर में 43 रन और 3 विकेट
इफ्तिखार अहमद ने 3 ओवर में 16 रन दिए और 1 विकेट लिए। इफ्तिखार चाचू लावे तालियां। चाचा पे तो यार एंजॉय करना चाहिए, चाचा है मजेदार। चाचा को तो ऐसे भी हम लाइफ टाइम वाला बन गया। हाँ 50 के बाद बन जाता है। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर में 31 रन दिए, 31 और 1 आउट किया। जबरदस्त पहल, जबरदस्त पहल। शादाब खान ने बैटिंग कितनी है, नवाज ने रन किए थे, नवाज ने अच्छा स्कोर किया, 40 के करीब रन किए ना जी, और 1 आउट भी किया। 39 बहुत अच्छे नवाज के, और शादाब खान ने 8 ओवर में 45 रन दिए और 1 आउट किया। अगली बार कुर्सी बदल देना भाई, बैठा नहीं जा रहा है। 100% चेंज है सामने। शादाब ने ज्यादा रन दिए यार 45 8 ओवर। भाई वो लोग भी खेलने आए हैं भाजन, वो भी मतलब उनके पास बड़े लड़के बड़े लड़के हैं, बैठ के खेल रहे थे।